हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम पे बेसिकली आप डिसीव हो जाते हो किसी की फिजिक देख के, आपको लगता है कि इसकी बॉडी कितनी अच्छी है। एंड वही मैं चाहता हूँ कि जो कॉमन लोग हैं उनको समझ में आए कि ये चीज रियलिटी नहीं होती, ये चीज सिर्फ इंस्टाग्राम पे होता है। बेसिकली इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा ये चीज होता है कि जो आपको दिखता है वो सच नहीं होता। तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको डीमोटिवेशन ना फील हो, डीमोटिवेट ना हो कि ऐसी फिजिक मैं कैसे बनाऊंगा, इतनी सारी वेन्स, इतना मसल क्लैरिटी, इतना मैच्योर मसल, इतना मसल डेवलपमेंट, ऐसी फिजिक मेरी कैसे होगी, यही सोच के लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि जो चीज 90% इंस्टाग्राम पे दिखती है वो रियलिटी नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको अपनी ही तीन फोटोज एक ही जगह पे और तीन वीडियो क्लिप्स फोटोज के एक ही जगह पे शूट करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे फिजिक जो इंस्टाग्राम पे आती है वो डिफरेंट होती है। ऐसे हम रियल लाइफ में नहीं लगते, हम रियल लाइफ में एक नॉर्मल, इतने ज्यादा वैस्कुलर और इतने ज्यादा एस्थेटिक नहीं होते। तो पहली जो फिजिक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल खड़ा हो रहा हूँ, बिल्कुल ही रिलैक्स, मैंने वर्कआउट नहीं किया हुआ है, मैंने बस ब्रेकफास्ट में ओट्स लिए हुए हैं, ओट्स और थोड़ा सा दूध, एंड मैं नॉर्मल बिना वर्कआउट के ऐसा दिख रहा हूँ। नॉर्मल, कोई वर्कआउट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फूड नहीं है मेरे सिस्टम में, तो मैं सुबह सुबह उठ के ऐसा दिख रहा हूँ। तो ये मेरी नॉर्मल फिजिक है। अब ये फिजिक मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करूँगा और यही फिजिक लोग इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सबको अपना अच्छा साइड दिखाना है इंस्टाग्राम पे, अपना बेस्ट साइड दिखाना है। अब जो सेकेंड पिक्चर है, सेकेंड वीडियो है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ पे यही लाइटिंग में मैं थोड़ा पोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिलैक्स खड़ा था, बिल्कुल रिलैक्स नॉर्मल खड़ा था, और यहाँ पे मैं पोज कर रहा हूँ, अपनी पोज करके पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा हूँ या वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप, मैसिव डिफरेंस आ रहा है, मैसिव डिफरेंस, इतना मैसिव डिफरेंस है कि मैं इस चीज को इंस्टाग्राम में 10 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन या फिर 15 वीक ट्रांसफॉर्मेशन करके डाल दूंगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और मैं बोलूंगा कि मेरे से ट्रेनिंग ले लो, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो, और मैं अपना प्रोग्राम बेच दूंगा कि मेरे से ट्रेनिंग ले लो, मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा दी। बट इन रियल ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 मिनट की है। तो यही चीज है कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये चीज रियलिटी नहीं होती। इंस्टाग्राम पे हर चीज जो दिखता है उसको मानने की जरूरत नहीं है, ये 2 मिनट का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसके बाद जो तीसरी पिक्चर या तीसरी वीडियो जो मैंने बनाई है, वो बनाई मैंने थोड़ा वर्कआउट करने के बाद, मैंने नॉर्मल पुशअप्स किए 3 से 4 सेट, 70-80 पुशअप्स किए, उसके बाद थोड़ा डायमंड पुशअप किया, थोड़ा पंप किया, ब्लड सर्कुलेशन मेरे मसल्स में बढ़ा, और उसके बाद मैंने ये एक वीडियो बनाई और ये फोटोज लिए, पिक्चर्स लिए, और ये अब मेरे परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटोज हैं। ये जो 2-3 फोटोज आए हैं ये मेरे परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटोज हैं। और इसके बाद भी कुछ लोग एडिटिंग करते हैं, कुछ लोग फिल्टर्स डालते हैं, आजकल तो कितने सारे ऐप्स आ गए हैं जहां मसल्स को बड़ा करके दिखाया जाता है, तो ये इतना कुछ होने लगा है। तो यही मैं चाहता हूं कि आपका कॉम्पिटिशन आप खुद से करो, ना कि किसी और से इंस्टाग्राम पे देख के। मैं भी पहले, जब मैं 3-3.5 साल पहले, मेरे 1-2 साल ही हुए थे जिम के, तो मैं बड़ा डीमोटिवेट होता था जब मैं देखता था मेरा बॉडी चेंज हो ही नहीं रहा है, मेरे को तो रिजल्ट्स इतने जल्दी मिल ही नहीं रहे हैं, और लोग 10-10 वीक में इतनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन करके बैठे हुए हैं, और मुझे 10 वीक में तो हल्का सा भी चेंज पता नहीं चलता है, बहुत हल्का माइनर चेंज आता था 10-12 वीक्स में, तो कुछ खास होता नहीं है। तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इनकी बॉडी इतनी जल्दी बन रही है और हमारी बॉडी नहीं बन रही है। आपको क्या पता वो इंस्टाग्राम वाला बंदा, उसके पीछे स्टेरॉइड्स हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन आप खुद से करो, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम की जो फोटोज हैं आप उसको भी कंसिडर ना करो, क्योंकि वो फोटोज बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट सिनेरियो आफ्टर वर्कआउट्स, मैक्सिमम मेरी फोटोज हैं जो जिम के बाद होती हैं, बस उसमें लाइटिंग बहुत अच्छा होता है, पंप होता है मसल, तो वो सारी चीजें आप कंसिडर मत करो। मैं नॉर्मल ऐसा नहीं दिखता हूँ, मैं नॉर्मल एक नॉर्मल ही बंदा दिखता हूँ, मेरे ऐप्स उतने क्लियर नहीं है, और मैं ये चीज प्राउडली बोलता हूँ, मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है। मेरी बॉडी फैट परसेंट 10% है, लेकिन 10% बॉडी फैट में भी आप बहुत उतने श्रेडेड नहीं हो, ये 10% बॉडी फैट है और ये मेरी कंडीशनिंग है और यही रियलिटी है। तो इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ कि लोग 10-10 वीक की ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं, 12-12 वीक की ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं, मुझे वो रियलिटी नहीं लगती, मुझे वो फेक लगता है, सही नहीं लगता है। तो उसके लिए आप ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप मोटिवेट खुद से हो,
आज आपकी फिजिक ऐसी है, मैं किसी को आज काउंट नहीं करता, मैं किसी को बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ फॉर मोटिवेशन, मेरे को इंस्पिरेशन उनसे सीखने मिलता है, बट मैं उनकी फिजिक देख के मैं अपने आप को छोटा नहीं मानता हूँ। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए आप में कि अब मैं फिल हीथ या काई ग्रीन से कंपेयर नहीं कर सकता खुद को, क्योंकि वो अलग लेवल पे हैं, वो बहुत अलग लेवल पे हैं। मैं अपने आप से कंपेयर करूंगा कि आज मैं ऐसा दिखता हूं, तो मेरा गोल होना चाहिए कि मैं एक महीने बाद थोड़ा इंप्रूव करूं, उसके एक महीने बाद थोड़ा इंप्रूव करूं। तो ऐसे आपको लेके चलना है, खुद से कम्पीट करो, खुद को हराओ, उसका मजा अलग ही है, खुद को हराने का मजा अलग ही है, आपका कॉम्पिटिशन खुद बनो। तो ये वीडियो है कि आप 5 मिनट में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करके आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो 10 वीक्स ट्रांसफॉर्मेशन, और लोगों को बोल सकते हो ट्रेनिंग लो मेरे से, मैं भी करवा दूंगा, मैं लिटरली डाल सकता हूँ। सो यही होता है, इंस्टाग्राम इज नॉट ऑलवेज रियल, इंस्टाग्राम फिटनेस इज लिटरली मेरे हिसाब से 90% फेक। तो उसके हिसाब से अपने आप को मत गिराओ, यहाँ से काम करो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपना काम करो। यही वीडियो है, सिंपल आपको समझाने के लिए कि इंस्टाग्राम पे ज़्यादा मत ध्यान दो, फॉलो करो ग्रेट्स को, उनकी बातें सुनो, सीखो, सबसे सीखो, लेकिन खुद से लड़ो और खुद से काम करो। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। आपको क्या वीडियो चाहिए आप बताओ, पुश पुल लेग्स अगले वीक में डाल रहा हूँ, उसके लिए रेडी रहो, मेहनत करते रहो, अच्छा वर्कआउट करो जाके, अच्छा दिन करो। थैंक यू सो मच गाइस, सपोर्ट करो, लव करो, प्यार, थैंक यू सो मच।